होती है। सर ये फरमाइएगा कि ये बगावत हो रही है पार्टियों के अंदर या जमीर जिंदा हो गए लोगों के, और जमीर भी जिंदा हुए हैं उस वक्त जब असेंबलियां टूट रही। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, दो मिनट मुझे भी दे दीजिएगा। सर चौधरी साहब देखिए, सबसे पहले तो हमने यहां से ये शुरू करना है कि ये सब के सब सब फ्रॉड फरेब बेईमानी कर रहे हैं कौम के साथ, सब सब सब। मैं बताता हूं, अब मुझे टाइम थोड़ा दे दीजिए। बयानिया बना नवाज शरीफ साहब का, मुझे क्यों निकाला, मुझे बाजवा साहब ने निकाला गुजरावाला की तकरीर में, स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिशमेंट। अंदर खान ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि आप वोट दे दो बगैर किसी सवाल के, ब्लैंक चेक की तरह वोट दो एक्सटेंशन के लिए। इमरान खान साहब ने हुकूमत चलानी थी, उन्होंने एक्सटेंशन दी, बाहर आए कहा कि रेजीम चेंज बाजवा साहब ने की, फिर कौन को झूठ बोला। पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने कहा जी आप तीन साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए हम ईंट से ईंट बजाएंगे, फिर वोट दे दिया, उन्होंने भी कौम को झूठ बोला। अब आ जाए आप इन बिल्स के ऊपर, ये बिल्स में फ्रॉड हो रहा है, आधे करवा रहे आधे ना करवा के आंख बंद करके किसी और की तरफ इशारा करना शुरू हो गए, जो बुग्स तमाम पार्टियां नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई और 13 जवानों के अंदर जो नफरत और बुग्स एस्टैब्लिशमेंट का है, इनके माजी ना भूलें आप सारे, ये सारा रुख और एंगलिंग सारी उस तरफ ले जा रहे हैं। आप मिनिस्टरों के बयान देखें, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है कि इमरान रियाज कहां है, कान में जज के बताया वो किधर इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने नाम लेने से मना नहीं किया, वजीर आजम कह रहे हैं हमने नाम लेने से मना किया, तो ये सारी एंगलिंग हो रही है, गुड कॉप बैड कॉप, ये पुरानी गेम 65 साल से चलती आ रही है। प्रॉब्लम सारा ये है कि चौधरी साहब खुदा का वास्ता है आप लोगों के तवसुस से ये एक्सपायर्ड माल है सारा, जितना जितने लीडर्स है इनको आजमाया हमने बार बार, और अब हम इनकी एक्सपायरी के बाद ये बुगीजा बदबूदार गंदा जमूरी जनाजा लेके बाजार में फिर रहे हैं जमहूरियत के नाम पे कि पाकिस्तान ठीक कर दो। तो भाई मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि सिपा सालार का विजन बड़ा जबरदस्त है, हम भी सराहते हैं, सवाल ये 5 महीने 6 महीने में सिपा सालार को विजन है पाकिस्तान के लिए, तो 5 साल से 35 साल हुकूमत करने वाली सारी पार्टियां इनके पास विजन क्यों नहीं है, फर्क है वो पाकिस्तान का सोच रहे हैं अपनी जेबों का सोच रहे हैं। आप ये कहते हैं हमारी औलादों को भी एक्सेप्ट कर लो, हम गुलाम दर गुलाम बन जाए, इन लोगों से जान छुड़ाएं सारे अजमाए हुए और इनका माजी ना भूले। पाकिस्तानी कौम और आप, मैं, कैमरामैन डॉक्टर साहब, स्टैब्लिशमेंट, जजेस, ये सब माजी भूल गए, ये सब अच्छे बच्चे जो आज हैं, नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे सारे बने हुए हैं, ये बयानियां बनाते हैं फ्रॉड का, अंदर पैर पड़ के काम करते, ये आज एक के लिए कह रहे हैं उससे पहले दूसरे के लिए कह देते, ये क्या गारंटी की आगे नहीं करेंगे ये सारा काम। ये एंगलिंग देखे, इसको समझे, इस गेम को समझे। ख्वाजा आसिफ साहब का इस टाइम पे बयान आना, मरियम औरंगजेब का इंटरव्यू, शहबाज शरीफ साहब का सराहना, और फिर सलीम साफी साहब के शो पे कुछ चीजों को डिनाई कर देना, ये बिल पास कर देना, ये बिल रुकवा देना, पीटीआई को डंडा देना, पीटीआई थर थर कांप रहे नून लीग वाले। मोहसिन रांझा ने जो तोशाखाला केस है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, उसमें आप मुझे किसी सीनियर आदमी का साइन दिखा दें, सब 3rd ईयर नहीं किए, तो ड्रामेबाजी, आओ हुकूमत करो, माल बनाओ, मुल्क से जाओ, गाली दो, फिर आओ, फिर जाओ, तुम जाओ, मैं आऊंगा, तुम जाओ, ये 4, 6, 8, 15 भी शक्लों से हमारी जान छुड़ा दे भाई, अब हम नहीं कर सकते, और ये टोपी ड्रामा हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये एक्सपायर्ड निजाम, एक्सपायर्ड लीडर्स को एक्सपायरी हुए हुए सालों साल हो चुके हैं। मुझे सारा एक चीज बात बताए, सॉरी आपको टाइम ले रहा हूं, ये लोगों के अपने फ्रेम टेढ़े, ये मुल्क का फ्रेम सीधा करेंगे, ये खुद खड़े नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान को खड़ा करेंगे, ये खुद चल नहीं सकते हैं, ये पाकिस्तान को चलाएंगे, ये एक आईफोन अपनी आंख से नहीं खोल सकते, दो दो आदमी रखेंगे, कोई बैठता है तो उसको हाथ रखे ऊपर करने के लिए, मुंह रखने के लिए बंदा रखा हुआ है, ये मुल्क ठीक करेंगे, ये निजाम ठीक करेंगे। इस निजाम का निजाम क्या है, इस निजाम में गरीब ने रोटी के लिए मरना है, इस निजाम में रिजवाना बेटी जैसे लोगों के साथ जानवरों ने तशद्दुद करके उसको बेल दिलवा दे दी है, इस मुल्क के अंदर गटर खुलने पर गरीब मर जाना है, मोटरसाइकिल से बीवी बच्चे मर जाएंगे, और हम कहेंगे हमने ट्रक वाले को पकड़ के बंद कर दिया क्योंकि ट्रक ड्राइवर की गलती थी, बिल्कुल गलती थी, और भाई जो उस खड्डे को भरना था इन लीडर ने खरबों रुपए लिए थे वो मेरा बाप भरेगा, ये सवाल होना चाहिए, खड्डा नहीं होता मोटरसाइकिल उछलता नहीं तो वो कुचला नहीं जाता। अच्छा अब सवाल ये है बड़ा साहब।